अरफात कासमानी और आप देख रहे हैं टुडेज वॉइस न्यूज। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो मुहिम में समाजवादी पार्टी के नफरत भरे बयान। मुमरा जो के एक मुस्लिम मेजोरिटी इलाका है, वहां रखा गया था नफरत छोड़ो भारत जोड़ो प्रोग्राम। हालांकि इस प्रोग्राम में बहुत सी कुर्सियां खाली थी, शायद मुमरा की अवाम का भरोसा अब तक समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाई है। जिस तरह इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, उस वजह से हर पॉलिटिकल पार्टी हर सियासी पार्टी सियासत को गर्म करने में लगी हुई है। इस प्रोग्राम का मकसद होना चाहिए था नफरत को खत्म करके मोहब्बत की शुरुआत करना, पर इस प्रोग्राम को देखकर कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि नफरत खत्म होगी, बल्कि देखकर ये कहा जा सकता है कि नफरत और ज्यादा बढ़ जाएगी। ये बात सही है कि आज देश भर में नफरत का ज्वालामुखी फूट रहा है, पर हमारे नेताओं का ये काम होना चाहिए था कि मोहब्बत की शुरुआत की जाए। हमारे देश की जनता नेताओं की आवाज़ को नेताओं की बात को सुनती है और मानती है, इसीलिए हमें चाहिए कि लोगों में मोहब्बत और अमन का पैगाम दे। अगर मुमरा के इस मुस्लिम मेजोरिटी इलाके में अगर इस प्रोग्राम से कुछ लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सुनिए वो पूरी स्पीच जो समाजवादी पार्टी के MLA अबू आसिम आजमी ने मुमरा के नूरबाग हॉल में दी। समाजवादी पार्टी की तरफ से नफरत छोड़ो भारत जोड़ो की देश बोला की नारा तो कांग्रेस का, देश के नारा सबसे पहले उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के इस इश्यू पर आज यहाँ आए हुए हमारे साथी रईस शेख साहब, फाद अहमद साहब, दुखाना जी, यासुद्दीन साहब, बाल आदमी साहब, शकीर भाई, जहूर साहब, मुस्लिम मामा, राजीद आदमी साहब, आदमी टीचर साहब, रियाज अहमद साहब, असद साहब, नजीर साहब, सुफेल खान साहब, नूर अहमद सर है, नूर अहमद सर एनकू अब्दुल मनी मापानी साहब, जहूर शेख साहब, अजीम आदमी साहब, इम्तियाज आदमी साहब, मौलाना कमरुद्दीन साहब, जिला फालके जी, रजिया आबा और हमारे नए साथी मोहसिन खान और यहाँ मौजूद तमाम दोस्तों साथियों भाई और बहनों। दोस्तों, मैं सबसे पहले मुमरा के लोगों से पूछूं कि मुमरा आतंकी इलाका है कि नहीं। मुमरा में ज्यादा आबादी मुसलमानों की है कि नहीं, बोलिए ना, रोज बोलिए। मुमरा एक मुस्लिम इलाका है और मुझे खुशी है कि मुमरा में रहने वाले बहुत सारे मेरे रिश्तेदार हैं। जो मेरे मामों का लड़का है, कोई मेरा भतीजा है, कोई मेरा भाई है, कोई गांव का है, बहुत बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश के यहाँ बहुत सारे लोग हैं। टोटल के भाई हमारे हैं, चारों तरफ के लोग हैं, लेकिन यूपी के जिनसे हमारा उन्हीं पहलुक है उनकी भी तादाद यहाँ बहुत बड़ी है। मुमरा एक वो इलाका है जहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा है अपने महाराष्ट्र में, जो 288 सीटें हैं उसमें कुछ ही जगह ऐसा काम तुम करा सकते हैं। आज देश में यह हो गया है कि बीजेपी की सरकार में RSS ने हमारे हिंदू भाइयों के बीच में मुसलमानों के खिलाफ ऐसा जहर भर दिया है कि लगता है मुसलमानों से ज्यादा खराब कोई कौम नहीं है। मैं अगर पुरानी बातें याद करता हूं, मैं पढ़ता हूं तो 1947 में जब देश आजाद हुआ तो उसके पहले हिंदू और मुसलमान दोनों इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, दोनों साथ साथ थे, लेकिन अंग्रेजों ने जानबूझकर हिंदू और मुसलमानों को बांटो, हिंदुस्तान को बांटकर हिंदुस्तान पाकिस्तान बना दिया, और जो हिंदू भाई हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर जहां काम कर रहा था वो हिंदू भाई हमसे अलग हो गया। यहां का मुसलमान अपने सर्व सामान को लेकर पाकिस्तान की तरफ रवाना हुआ था। जब मोहम्मद दीवान साहब ने कहा कि आओ मुसलमानों तुम्हारे लिए नया कोर्ट बना दिया है तो मुसलमान जा रहा था, लेकिन उस वक्त दिल्ली की जामा मस्जिद की सिंधु समाज और गुलाम आजाद साहब के बाद मुसलमानों मन जाओ इस मुल्क को छोड़ करके, क्या तुम्हें याद नहीं तुमने इसी गंगा में वजू करके नमाज पढ़ाया है? क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारे बुजुर्गों ने इस मुल्क की आजादी के लिए
लाखों भर की तादाद में शहीद शहादत का इल्जाम किया है। तुम चले जाओगे तो तुम्हारी हजारों लाखों मस्जिदें वीरान हो जाएंगी, तुम्हारे कब्रिस्तान में कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं बचेगा। मत जाओ, तुम्हें कसम है ताजमहल की खूबसूरती भी, मत जाओ इस मुल्क को छोड़कर के जहां मस्जिद का मीनारा तुम्हें पुकार रहा है, जो लाल किले की दीवारें तुम्हें पुकार रहे हैं, मुसलमानों इस मुल्क को छोड़कर मत जाओ। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है कि इस मुल्क को छोड़कर मत जाओ, तुम्हें इस मुल्क के अंदर हिसाब मिलेगा। हम जितने लोग बैठे हमारे बाप दादा नहीं कहते पाकिस्तान, हमने पाकिस्तान मुर्दाबाद का, हिंदुस्तान जिंदाबाद का। और जब भी इस मुल्क में जरूरत पड़ी खून देने की, मैं कसम खाकर इन फिरका परस्तों से कहना चाहता हूं कि तुम जो आज वफादारी की हमसे संजीद मांगते हो, आओ मैदान में, तुमसे बहुत ज्यादा हमारे पुरखों ने अपनी जान लेकर इस मुल्क को, इस मुल्क के लिए अपना काम किया है, ये तुम भूलो मत। गद्दार लोग हमसे कहता है कि मैंने से फिट करवा दिया।
उस सेल्फी खिंचवाने के बाद आरएसएस के लोगों ने आकर उस लड़के को पकड़ कर इतना मारा। मारने के बाद मस्जिद में लेकर गए। मस्जिद में जाने के बाद इमाम साहब को मारा और मस्जिद के पुराने शरीफ नौ पीला फाड़ लिया और उसके बाद एक लेडी के घर में गए जो अंग्रेजी और मैथ पढ़ाती है, साइंस पढ़ाती है, जिसका दुनिया से कोई लेना देना नहीं। उस औरत के मैं ये इल्जाम लगाया ये हिंदुओं को मुसलमान बनाने का काम करती है और औरत तो ढेर हो गई। हम दूसरा पैदल रहे क्या बोलिए, ये हालात है मुल्क में आज, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। इसलिए मैंने आज कहा कि आज आप एक मीटिंग बुलाओ, मैं आकर के लोगों से बात करूंगा। जब क्या कोई त्यौहार आता है ना आजकल, हम कहते हैं कि भाई आप गणपति मनाओ, वो त्यौहार कब कभी आया था नहीं, हमें जितने लोग नहीं हुआ था। रामनवमी आप रामनवमी मनाओ, आप गणपति मनाओ, आप दशहरा मनाओ, हम आपके साथ आपको ठंडा पानी पिलाने को तैयार हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि हम उसे डरते हैं, डरते तो अल्लाह तला से मानी है ऐसे रूम के अंदर, हम इस मुल्क के किसी की मेहरबानी पर नहीं अल्लाह की मेहरबानी पर रहते हैं। तो क्या हुआ तो बताया, तो त्यौहार आता है ये डीजे लेकर के ना मस्जिदों के सामने बजाते हैं। इमाम साहब कहते हैं भाई हमारी मस्जिद में अजान हो रही है, प्लीज यहाँ मत बजाइए, डिस्टर्ब हो रहा है, वो नमाज पढ़ रहे हैं। मैंने कितनी बार कहा कि भाई जब आप गणपति का वो लेकर निकले ना तो हम तालियां बजाकर स्वागत करेंगे आपका, और हम मस्जिद के लोग निकल कर आपको फूलों का हाथ भी पिला देंगे, आपको शक्ल भी पिला देंगे। लेकिन आप मस्जिद के पास आने के बाद ना ये ऐलान कर दीजिए कि हमारे मुसलमान भाइयों की यहाँ मस्जिद है, यहाँ पर कोई भी रंग मत फेंकना, यहाँ कोई बाजा मत बजाना, और 5 मिनट के लिए बाजा मत बजाना, आगे बढ़ जाना। मैं समझता हूँ हम सब तालियां बजाकर आपका स्वागत करेंगे। ठीक क्या हो रहा है, जान बुझ कर वहां जाकर बाजा बजाएंगे और रंग फेंक देंगे, और अगर हम मना करेंगे तो मस्जिद में घुस कर लाउड स्पीकर तोड़ देंगे, और यहाँ तक कि मस्जिद के गुंबद पर ये लोग केरवा झंडा लगा देंगे। थक चुके हैं, रोजाना ही हो रहा है। और अभी क्या औरंगाबाद में, औरंगाबाद में जहाँ पे राम मंदिर है वो मुस्लिम इलाके में, 10-15 लड़के आए, अपने इस देश पे रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना होगा। लेकिन अगर कोई मजहबी आदमी होगा, सच्चा मुसलमान होगा, तो ये नहीं पड़ेगा, क्यों कि इसमें जमीन की पूजा करना है। और याद रखना दोस्तों, मैंने एक बार और स्टेटमेंट बड़ा तालीम साहब का, जब यूपी में सरकार थी बीजेपी की, उस वक्त जब बाबरी मस्जिद का मसला चल रहा था, तो उन्होंने कहा था, तो माननीय सरकार ने कहा कि अब जो है सरकारी स्कूलों में, तमाम स्कूलों में सभी लोगों को वंदे मातरम पढ़ना होगा। तो अलीमिया नबी साहब ने कहा कि हम इस तरह से पहले इसकी मुखालफत करेंगे, भाई सब पे कंपल्सरी मत करो, लेकिन अगर सरकार ने कंपल्सरी कर दिया कि बच्चों को वंदे मातरम पढ़ना पड़ेगा, तो मैं कहूंगा कि बच्चों से जाहिल रह जाना लेकिन जमीन की पूजा मत करना, ये शिर्क है और ये बहुत बड़ा गुनाह है। उन्होंने कहा आप रोजाना चिंता करना, मैं तो नहीं कह रहा हूँ आपसे कि आप नारे फटके लगता है कहो आप कलमा पढ़ो, हमने तो नहीं सुना था कि किसी मुसलमान ने कहा होगा, लेकिन मुसलमानों को रोज आना इस तरह की चीज की जा रही है। और अभी लेके साथ में ये अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा पूजा पांडे हरिद्वार में धर्म संसद करके सबसे शपथ ले रही है। हम शपथ लेते हैं कि 20 लाख मुसलमानों का नरसंहार कर दिया जाए, जिसका मुसलमानों को मार दिया जाए, कोई केस नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। और अभी एक पुलिस वाले ने, अभी सुल्ताना सिद्दीकी ने बयान किया, एक पुलिस वाले ने ट्रेन के अंदर डिब्बा खोल करके एक आदमी का, बेचारा हैदराबाद का, उसकी दाढ़ी नहीं थी लेकिन उसका मुनासिब तो था, उसकी दाढ़ी थी, जब अंदर आया खींचने के लिए तो जो उसके सेठ थे उसने रोका, उसको धक्के दे उसको हटा दिया और
पीछे से दाली वाले को पकड़ा और बाहर लाके गोली मार दिया और पीछे में क्या निकालते गोली मार दिया और गोली मारने के बाद क्या कह रहा है कि इस देश में रहना है तो आपको नरेंद्र मोदी और योगी को वोट देना पड़ेगा और इनका आका पाकिस्तान में रहता है। इस तरह की बात है। आज माहौल इतना खराब है कि मुझे यूपी से कुछ लोगों ने फोन किया कि आसिफ भाई ट्रेन में आना है, हम ट्रेन में आए, हम सेफ हैं कि नहीं सेफ हैं। मैंने कहा भैया मैं कैसे आऊँ गाड़ी के लिए, रुकिए नहीं मालूम क्या आवश्यकता है, क्योंकि जब सरकार ही काम कराएगी, सरकार का नाम लेकर इस तरह काम करेंगे तो ये गारंटी कौन दे सकता है। ये हालात तो उनमें पैदा होते जा रहे हैं। मैं मान कर रहा हूँ कि जिस पुलिस वाले ने गोली मारा है ना उसको फांसी की सजा होना चाहिए, उम्र कैद नहीं, और फांसी इसका एक साल के अंदर फैसला भी होना चाहिए। और उसके साथ साथ जिन्होंने संसद में कहा था कि 20 लाख मुसलमानों का नरसंहार कर दो उनको भी 120 में पकड़ा जाए, उन्होंने कहा तो मारा इसने, उनको पकड़ा जाए। इसी तरह से आपने कई लोगों के पहले मुकदमे लगा चुके हैं। हाईकोर्ट ने फैसला किया कि सीनी के खिलाफ उस प्रोसिक्यूशन में पुलिस ने सरकार ने कोई सबूत नहीं पेश किया कि मैं इसके खिलाफ और आगे बैंड लगा सकूं। मैं पावर की ताकत के साथ ये फैसला लेती हूँ कि आज से सीनी का बैंड उठाया जाए कि उसके खिलाफ आतंकवाद का या ऐसा कोई मुकदमा आज तक प्रूफ नहीं हुआ। हमें तालियां बजाई, मैं सीनी का नहीं हूं, लेकिन सीनी के लड़के कुछ काम कर रहे थे उनको जेल में भेज दिया गया और उसके बाद 15 घंटों के अंदर तारे सरकार ने तुरंत जाकर के सुप्रीम कोर्ट से उन्हें डाल दिया अपील में और ठंडे बस्ते में केस पड़ा हुआ है आज तक उसके ऊपर इसके हटाने आखिरी अदालत है वहां भी हट जाएंगे इसे तो ये फ्री हो जाएंगे, ये नहीं फ्री हो सकते। मैं पूछूं अगर आपको याद होगा तो 1992 में बाबरी मस्जिद से जब केस चल रहा था जब डिमोलिशन हुआ उसके बाद आरएसएस तो बैंड लग गया था और सरकार किसी कांग्रेस की नहीं, जब बैंड लग गया तो वो लोग भी हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट ने कहा कि जो बैंड लगा है वो गैर कानूनी है, उसको खा लिया जाए। उसी वक्त कांग्रेस पार्टी और तमाम लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किया और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। कोई पूछने वाला है कि तुम सीबीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से इसके लिए और तुम जो है आरएसएस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट इसके क्यों नहीं लेते? ये हालत देश के है, कोई पूछने वाला नहीं है। देश के अंदर एक पूना वाला हफ्ता पूना वाले ने एक लड़की को काट के पुलिस में डाल दिया और दिखाया जा रहा है कि देखो रात को उसका बॉडी लेकर जा रहा है जंगल में कर रहा है पूरे दिन पे हाथ और मस्जिद क्यों कि हफ्ता पूना वाला मुसलमान नाम है परम दिया। लेकिन जब इंक्वायरी हुई ना तो हफ्ता पूना वाला मुसलमान नहीं था, वो पारसी था और पूरे देश में खासतौर से महाराष्ट्र के सारे जिलों में गेरी का कपड़ा बांध करके एक एक जगह पर ये लोग सकल हिंदू समाज आक्रोश रैली, सकल हिंदू समाज आक्रोश रैली यानी पूरे हिंदू समाज की आक्रोश रैली इसके खिलाफ। मैंने पूछा, मैंने होम मिनिस्टर साहब से कहा कि साहब की आक्रोश रैली किसके खिलाफ हो रही है? मैं समझता हूँ मुसलमान के खिलाफ है, गुलाम को मुस्लिम समाज के लोग बैठ के आंख में आंख डालकर बात करेंगे कि आक्रोश हमको होना चाहिए तुम्हारे खिलाफ, तुम्हें हमारे खिलाफ कैसे आक्रोश कर सकते हो? लेकिन कोई कुछ नहीं बोलते, कोई कुछ नहीं बोलते जाते। ये हालात देश में आज है। आपको याद होगा हमारे गांव में ब्लास्ट हुआ था, 32 लोग छबे बारात के दिन कब्रस्तान में फाया बनने गए थे, बच्चे उंगलियां पकड़ कर गए थे वहां पर। उस दिन अल्लाह कहता है, अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं आज पहले आसमान पर आता हूं, नामों में से जो मांगना है। इसी उम्मीद से सब गए थे कब्रस्तान में दुआ करने के लिए, बम ब्लास्ट हो गया, 32 लोग शहीद हो गए, बच्चों के छोटे छोटे बच्चों के बदन के टुकड़े हवा में उड़ गए। गिरफ्तारी किसकी हुई? सब मुसलमान। मुझे बता दो आप कि मस्जिद में शबे बारात के दिन ब्लास्ट हो और मुसलमान करेंगे ना? एक ब्लास्ट हुआ मक्का मस्जिद में हैदराबाद में, गिरफ्तारी सब मुसलमानों की हुई। ये सब मानव भर देते हैं 5-10-15 कौन है वो?
मेरे भाई किस वक्त खड़ा हुआ बात कर रहे हैं अपनी कौम को पहचानिए इनको जरा पहचानिए वक्त बहुत खराब है और ये 200 500 हजार 2000 वोट लेकर के ना बीजेपी के गोद में बैठे हुए हैं हम 3 लाख वोट लेके हार रहे हैं हम 4 लाख वोट लेके हार रहे हैं और कहते हैं अखिलेश यादव ने क्या करने जिलाओं क्या किया अभी मैं गया था यहाँ धुरिया धुरिया में दो बार फसाद हुआ 2008 में और 2013 में 6 मुसलमान मारे गए एक बार 4 मुसलमान मारे गए और ये जो है हमारे चीफ मिनिस्टर और जी की हमें प्यार के रिश्ते रह पाया ये रिश्ते टूट जाएंगे मोदी जी भारत टूट जाएगा भारत को बनाना है आगे बैठे हुए हैं आप रोजाना आपने देखा कश्मीर पर इन्होंने एक कश्मीर फिल्म बनाई आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने किसी फिल्म का प्रमोशन नहीं किया हमारे प्राइम मिनिस्टर चारों तरफ जाकर ये नेता चारों तरफ जाकर कश्मीर की फिल्म दिखा रहे हैं और आपको मालूम है कश्मीर की हकीकत क्या है एक हिंदू भाई ने हरियाणा के उसने कागजात निकाला कि पिछले 30 सालों में जब से टेररिज्म शुरू हुआ है कश्मीर में क्या हुआ तो वहां के डीजीपी वहां के पुलिस हॉकी ने रिपोर्ट में भेजा है ना लिखा कि 30 सालों में 1732 लोग वहां शहीद हुए कितने 1732 और उसमें जो पंडित लोगों की बात करते हैं ना सिर्फ 89 पंडित मारे गए कितने 1732 में 89 पंडित मारे गए और बाकी कौन मारा गया मुसलमान और थोड़े से सरदार जी और सुन किस पे हो रहा है पंडित पे जान बुझ के पंडितों को हटा दिया गया वहां से सरकार बीजेपी की है वहां बोला आपकी सरकार ने कितने पंडितों को बसाया उसका जवाब लीडर है जान बुझ कर हिंदू भाइयों के दिलों के नाम में मुसलमानों के खिलाफ रोजाना सुबह शाम नफरत की पैदा की जा रही ताकि लोग हिंदू भाई लोग मुसलमानों से अलग हो जाए हमें अपने इलाके में काम करना है मुसलमानों हम मुसलमान हैं मंदा को मानने वाले हैं हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपनी जान देने में तैयार हैं आप लोग अपने इलाके में मुहिम चलाओ कि हमारा पड़ोसी चाहे कोई भी हो खासतौर से अगर हिंदू हो तो हम उसको ये पैगाम दे कि तुम्हारा पड़ोसी मुसलमान है तुम्हें किसी बात की डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें अगर हमारे पास 3 रोटी है तो हम तुम्हें 1 रोटी खिला कर ही खाना खाएंगे तुम्हें रात को खून की जरूरत पड़ेगी हम मुसलमान तुम्हें खून लेकर तुम्हारी मदद करेंगे ये मैसेज तो यकीन जानना अगर आपने ये कर दिया ना अगर आपने ये कर दिया ना तो कितने आरएसएस वालों को हार्ट अटैक आ जाएगा जितना अस्पताल है ना आईसीयू सब भर जाएगा ये हालत है तो मैं यही कहने आया था कि हमको समाजवादी पार्टी का शुरू करना जरूरी है तैयार है ना आप लोग सब तैयार है ना भाई तो मैं अपने लोगों से बोलूं मेहनत करो और मुझे एक एमएलए आके दे दो समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी एक अच्छा एमएलए दे दो जो ईमानदारी से हमें भगोड़ा ना हो बेईमान ना हो जैसे एक दो दो एमएलए आते हैं एक रही से एक मैं हूं और इंशाल्लाह आखिरी दम तक खड़े रहेंगे चाहे जिंदगी भर हमको सत्ता मिले या न मिले कांटों के रास्ते पर चलेंगे लेकिन इंसाफ का रास्ता कभी नहीं छोड़ेंगे तो इसलिए मौसम मामा इनको हम लखनऊ से लेकर आए इसीलिए ये बहुत मशहूर आदमी है ये बहुत सेवा करते हैं सुबह शाम लोगों को इलाज कराना एक घर बना के रखा है इन्होंने एक टुकड़ा रखा है जितने आदमी आओ लखनऊ में खाना खाओ इलाज करो काम करो चले जाओ मैंने तुम मुमरा नहीं आता अब मुमरा बनाया इनको इनकी इनके नेतृत्व में राशिस्तों के जा रहे इनको मजबूत करने आए थे बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपने बहुत काम किया कबीर भाई जरा मदद कीजिए आप लोग तो बड़े लोग आप लोग हैं सब मर जाएंगे ना तो मैं भी मुमरा के अंदर आकर समाजवादी का झंडा गाड़ करके कहूंगा कि मुमरा मेरा है ये मुमरा मेरा है सच कहूँ मुझको वो इंसान बुरा लगता है सच कहूँ मुझको वो इंसान बुरा लगता है और हाथ फैलाए मुसलमान बुरा लगता है इससे आपके पास आपने मेरी बातें सुनी मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर इस पर आप ख्याल करेंगे और साथ देंगे मैं रमीश का रमीश मेरी रमीश एक वीडियो दिखाता हूँ फोन करता हूँ ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया बोला आपने
भिवंडी के एमएलए रईस शेख ने भी स्पीच दी, देखिए उन्होंने क्या कहा। स्टेज पे बैठे हम सब के कायर समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र मुंबई के सदर मानपुर शिवाजी नगर के आमदार जनाब आसिफी साहब, आज इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाले यहाँ के जिला अध्यक्ष मोहतरम मामा राशिद भाई, आदिल भाई और तमाम समाजवादी पार्टी के लीडरान जो स्टेज पे बैठे हैं, जो मेरे साथ यहाँ पर है, पूरे मुंबई और महाराष्ट्र से आए। मैं तो सबसे पहले मोहतरम भाई का शुक्रिया अदा करूंगा कि मुंबई में इतना अच्छा प्रोग्राम आपने रखा। और मैं इस मंच से कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी का मुंबई का ये प्रोग्राम एक आगाज है कि आने वाले दिनों में मुंबई के अंदर गली गली ऊंचे ऊंचे जाकर समाजवादी पार्टी का इंसाफ का और भाईचारे का पैगाम हम सबको पहुंचाना है। यहाँ पर कह रहे थे कि लोकल इश्यू पे बोलना है, आसिफ भाई बहुत सी बातें आज आपसे करेंगे। आज की रात एक ऐसी रात है जहां पर कल महाराष्ट्र में हिंदुस्तान में वो तमाम पार्टियां जो इंसाफ के लिए लड़ना चाहती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लड़ना चाहती है, जो बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहती है, उन सब का मुंबई में कन्वेंशन है। और मैं आपको बहुत ताकत के साथ बोल सकता हूं कि आने वाले दिनों में 2024 में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से नीचे उतरने वाली है और इंडिया की सरकार आने वाली है। और महाराष्ट्र में भी आप देख रहे हैं एक तब्दीली आ रही है। मैं गांव-गांव जाता हूं, हर समाज के लोगों से मिलता हूं, हर समाज के लोगों से बात करता हूं, होटल में जाके वेटर से बात करता हूं, टैक्सी चलाने वाले से बात करता हूं और एक ही आवाज सुनता हूं कि इस वक्त महाराष्ट्र की ये सदनी जहां पे बाबा साहेब अम्बेडकर, शाहू फुले, ये सब की सोच यहां पर है और ये धरती कह रही है कि अब कभी यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। लेकिन मुंबई एक ऐसी खास जगह है जहां पे कई मसाइल जो है वो लोग सत्ता में भी लेकर पूरा नहीं करते। यहां से बस भिवंडी थोड़ी दूर है, हमको आसिफ भाई की कयादत में भिवंडी में काम करने का मौका मिला और एक तब्दीली वहां पर आई। और वो तब्दीली जो है आप देखेंगे कि भिवंडी में तरक्की ऐसी होगी कि वो पूरे थाना डिस्ट्रिक्ट में मिसाल बनेगी। लेकिन मैं जब मुंबई की तरफ देखता हूं और मुंबई के मसाई की तरफ देखता हूं, चाहे कोविड पावर हो, चाहे मुंबई के अंदर कब्रिस्तान का इशू हो, चाहे मुंबई में हज हाउस का इशू हो, चाहे मुंबई के उर्दू घर का इशू हो, मुंबई को सिर्फ वादे किए गए। आप समाजवादी पार्टी को मौका दीजिए, मैं आपसे वादा करता हूं कि वो लोग जो सरकार में बैठ के नहीं कर पाए वो हम विपक्ष में रह के कर देते हैं। और जब टोरल पावर की बात आती है तो मैं आपको बताने चाह रहा हूं कि तीन ही ऐसे शहर है जहां पर प्राइवेट कंपनी, एक है भिवंडी, एक है मालेगांव और एक है मुंबई। ये सरकार प्राइवेट कंपनी को वही लाती है जहां पुलिस का झंडा चला सकती है। लेकिन हमने असेंबली में खड़े होकर टोरल के खिलाफ जो आवाज उठाई है, आने वाले दिनों में भी टोरल को एक्सपोज करने का काम हम करेंगे। आज मौका नहीं है आसिफ भाई को बोलना है, लेकिन यहां से एक ही मैसेज दूंगा यहां पर। आप मैं समाजवादियों के लिए बोल रहा हूं, जो आपस की लड़ाई है ना उसमें आप समाजवादी पार्टी की बात, हम आगे बढ़ सकते हैं। उम्रा की आवाम हमको जरूर मौका देंगे। आप इसी तरह से मौजूद मामा की क्यादत में, राशिद भाई और राजीव भाई की क्यादत में काम कीजिए। आने वाले दिनों में हम जरूर उम्रा की किस्मत बड़ी ताकत के साथ करेंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय समाजवाद, जय महाराज। मेरा भाषण कभी भी ना रुकता था, ना रुकता है, ना रुकेगा। इसलिए उधर देखने की जरूरत नहीं, ये रिकॉर्डिंग जा रही है, प्रशासन भी ध्यान रखे कि ये सुरेश चौहान के का हिंदू शेरों के सामने भाषण है, रुकेगा नहीं। लोग को रोकना है ना, आपको पता चले कि हमारी बहन बेटी लोग जिहाद की शिकार हो गई तो तुरंत अपनी टीम को लेकर चले जाना। डरते हो क्या? डर लग रहा है क्यों?
याद कर लेना। अगर प्रशासन सहयोग नहीं करती है तो आगे कटे हैं ना उनका पूरा गांव। पूरे भारत में 100 करोड़ हिंदू है। अगर हम हिंदू जिहाद करेंगे तो तुम्हें विवाह करने के लिए लड़कियां भी नहीं होंगी। इसलिए लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो। अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो। कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो कि हमारे घरों में भी सब्जी काटने के लिए हथियार तेज होना चाहिए, तो हम भी सब्जी काटने वाले चाकुओं को जरा तेज रख लें। पता नहीं कब कैसा मौका आए। तो जब हमारा शक्ति अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह भी और सिर भी अच्छे से कटेंगे। अभिनेता कमल हसन ने बयान दिया कि नाथूराम गोडसे पहले आतंकवादी थे, आप क्या कहेंगे? भगवा आतंकवाद को लेकर आप पे भी आरोप करते रहे पहले। दिग्विजय सिंह ने पहले बार ये शब्द इस्तेमाल किया, आप क्या कहेंगे नाथूराम गोडसे? नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और करके गए थे कि गए हैं जो कर्म करेंगे प्रभु राम जी का और चले गए तो राम जी की। इसलिए जब वहाँ पहुंचे और बच गए वापस आए तो रास्ते में लोगों ने कहा नारे नहीं लगाना और नारे नहीं लगाना कन्हैया जी, कर्फ्यू लग गया तो बुरी तरह से, तो नारे नहीं लगाना पुलिस पकड़ लेगी। हमने कई जोर जोर से नारे लगे तब राम राम चिल्लाएंगे। जो नारा चल रहा है कि भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, एक विधायक ने कहा था कि उनके मजहब में उन्हें परमिशन नहीं देता कि आप खुदा के अलावा किसी और के बारे में आप सिर झुकाएं। देश संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं। देखिए मैं ईश्वर का भक्त हूँ लेकिन किसी पाखंड में विश्वास नहीं करता। आपका मत आपका मजहब अपने तरीके से होगा, अपने घर में होगा, अपने मस्जिद अपने इबादत गाह तक होगा, सड़क पे प्रदर्शन करने के लिए नहीं। और इसको आप जो है किसी भी अन्य तरीके से दूसरे पे थोप नहीं सकते हैं। नेशन फर्स्ट, अगर देश में किसी को रहना है तो उसको राष्ट्र को सर्वोपरि मानना होगा, अपने मत और मजहब को। ये थी हमारी आज की न्यूज़। आगे की न्यूज़ के लिए जुड़े रहें, देखते रहें टुडेज़ वॉइस न्यूज़।